इसको देख लो कहाँ सुखाया है, ये डोरमेट है, इसको कहाँ सुखाया है, ये देख लो भाई, ये झाड़ कटा हुआ है और यहाँ पे सुखा दिया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं टीवी लेने के लिए, फाइनली आज तो लेके ही आएंगे। वापिस आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो भाई, वापिस ही दोस्त आया है भाई। हमारे गांव की गरबी की ये आ गई है गरब सुन के, इसका ओपनिंग अभी परसों ही होगा, आज तो नहीं होगा। पंच मंदिर की गरबी खुल रही है भाई, अनबॉक्सिंग 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 हो रहा है। अमृतका का बहुत एक्साइटेड है भाई इसको देखने के लिए, बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे। भाई बहुत सुंदर लग रही है यार, मतलब इतनी सुंदर लग रही है ये, एक नंबर लग रहा है भाई। ये प्रॉपर मतलब स्टेनलेस स्टील का पूरा बनाया भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से। घर भी रेडी है भाई, घर भी रेडी है, ये आर्ट है और ये आर्टिस्ट है, इसने बनाया पूरा, दोस्त ने अपने दोस्त ने बनाया, एक नंबर लग रहा है भाई जी का। तो भाई मेरे को जाना था अभी दोपहर में टीवी लेने, लेकिन अभी बहुत गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, और राहुल भी अभी फ्री नहीं है, तो हम लोग शायद 4 बजे के बाद जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि आज ही लेके आ जाए, बिकॉज कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और वैसे भी घर पे सब जिजवा है वो यहाँ रहने वाले हैं, वो बोर हो रहे हैं, तो भाई टीवी तो चाहिए, तो सोच रहे हैं कि आज ही ले लेंगे, शायद शाम तक उसके पास अवेलेबल ही है मॉडल शायद, तो आज ही ले लेंगे। और आज नहीं लिया तो कल कम से कम 1 बजे पहले तो लाना ही पड़ेगा, बट होपफुली आज आ जाएगा। तो भाई फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी देखने के लिए टीवी, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, वो थोड़ी सही प्रोसेसिंग क्या है उसका पता नहीं, वैसे तो मिल ही जाएगा, बट और एक दिक्कत है कि जय के चश्मे टूट चुके हैं, तो उसको भी रिप्लेस करवाना है, तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे हमारे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। राहुल नहीं आ रहा है, वो बिज़ी है, कोई है नहीं उसके दुकान पर, तो वो नहीं आएगा, वैसे भी उसने पहले भी मना किया था, अब देखते हैं। फ्रेम बहुत अच्छे भी है यहाँ पे, लेकिन भाई क्या महंगे हैं ये सब, मतलब इनमें भी एक से बढ़कर एक आते हैं भाई। और ये देखो कलेक्शन अच्छा है भाई इनके पास, और चश्मे वाले नंबर निकालना कितना महंगा हो गया है भाई। तो भाई हमने टीवी बुक कर लिया है, सब प्रोसेस हो चुका है, टीवी थोड़ी देर में घर आ जाएगा, हम लोग घर जा रहे हैं, तो हम ही अनबॉक्सिंग करेंगे वैसे तो अभी घर जा रहे हैं, पापा के थोड़ा बाकी का प्रोसेस ख़त्म करके घर पर मिलेंगे, टीवी शायद पापा से पहले पहुंच जाएगा शायद, तो अभी बाकी का प्रोसेस कर जाएंगे। भाई निकल चुका है वहाँ से और बहुत टाइम हो गया, फिर भी वो पहुंचा नहीं है, तो थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, पता नहीं कब आएगा वो, कब मैं सेट करूँगा भाई। सो गाइस फाइनली आ चुका है भाई अपना 55 इंच का टीवी, और वो है ये, इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं बाद में लगाते हैं, क्योंकि एक की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो तब तक मैं साफ़ सफाई करते था भाई, यहाँ सामने सेटअप करता है अपने को, तो इसकी साफ़ सफाई करके बाद में हम, अभी तो स्टैंड पे लगाएंगे, कल बंदा आके उनका फिर वो सेटअप करेगा दीवार पे, तो अभी तो लगा देते हैं। चुका है लेकिन अनबॉक्सिंग कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसका, गणपति बाप्पा मोर गया।
टीवी तो भाई बढ़िया सा हमने लगा दिया है, लेकिन हमको लग रहा है डर स्टैंड पे है, इसलिए दीवार पे ही लगाना पड़ेगा इसको कल। हाँ बस एक गणपति बाप्पा, वाह भी वाह, बा तो 5 कर दो भाई। रेडी 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 मम्मी। मैजिक रिमोट बोलते हैं, मैजिक रिमोट बोलते हैं इसको, माउस जैसा आता है वो माउस। मेरे को तो ये भी छोटा लग रहा है भाई, मेरे को तो ये टीवी भी छोटा लग रहा है, है ना मम्मी? मम्मी टीवी छोटा लग रहा है ना, ये वाला छोटा लग रहा है ना टीवी? देखा हो गया भाई, चालू हो गया है, हो गया भाई। सेटअप कर रहे हैं भाई हम लोग टीवी का। क्या है ये? तो मैजिक रिमोट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली मोबाइल डिवाइस, मोबाइल टीवी टीवी। बस भाई तो गाइस टीवी तो लग चुका है भाई, एक नंबर लग रहा है, और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो भाई वो मिस नहीं करना है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है ना भाई कि जो हमारा सेटअप बॉक्स है जो GTPL का, उसमें HDMI पोर्ट ही नहीं है, क्योंकि वो साथ वो पूरा ना वो केबल वाला है भाई, तो मतलब प्रॉब्लम हो गया है। तो कल हम सोच रहे कि टाटा स्काई डलवा देंगे सुबह सुबह, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस नहीं कर सकते हैं, वो देखना ही पड़ेगा अच्छे से। तो लेट्स सी, बाकी भाई मज़ा बहुत आया टीवी, क्योंकि दीवार बहुत बड़ी है ना भाई और खाली है, तो मेरे को ये टीवी भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो इसलिए छोटा लग रहा है। बाकी टीवी है बहुत मस्त बढ़िया है, और बाकी कल मैच देखेंगे, उसका रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे, तो मिलते हैं कल। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। हर हर महादेव।